और रामगढ़ जिला के चैनपुर रेलवे स्टेशन पर शक्तिपुंज एक्सप्रेस के ठहराव को लेकर ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं। ज्ञात हो कि कोरोना काल के समय से ही शक्तिपुंज एक्सप्रेस का ठहराव बंद कर दिया गया था, परंतु रेलवे प्रबंधन द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता देख आजसू पार्टी के द्वारा अल्टीमेटम देने के बाद चैनपुर स्टेशन पर आजसू मांडू विधानसभा प्रभारी तिवारी महतो के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ हो गई है। उससे पूर्व सैकड़ों ग्रामीण बैंकर स्थित दुर्गा मंडप में एकत्रित होकर रैली की शक्ल में चैनपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां धरना प्रारंभ किया गया। तरीके से रहा, लेकिन वार्ता असफल हुआ। असफल होने का मेन कारण यह रहा कि हम लोग जिस मांग को अभी वर्तमान में शक्तिपुंज ठहराव को लेकर हम लोग कर रहे हैं, यह शक्तिपुंज की मांग को लेकर मांडू के हमारे आंदोलनकारी नेता तिवारी महतो के नेतृत्व में एक वर्ष पूर्व भी दिया गया था। उस समय भी देखा गया कि उसका भी अभी तक किसी प्रकार का कोई पहल नहीं हुआ। अभी भी हमारे रेलवे प्रबंधन, जो स्थानीय प्रबंधन है, उनका भी कहना है कि आने वाले 10 दिनों के अंदर में हम लोगों की जो है कि आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन हम लोगों ने कहा कि 10 दिन में अगर ये सही है तो आप हमें कुछ अगर रिटर्न में लिख के हम लोग को दीजिए, ताकि हम लोग भी विश्वास करें कि आपकी बात का जो है कुछ वैल्यू रहे। लेकिन प्रबंधन ने साफ इनकार किया कि हम लोग में से या रेलवे प्रबंधन द्वारा यहाँ का जो स्थानीय प्रबंधन, उसका निष्क्रियता के कारण यहाँ के जो शक्तिपुंज है वो ठहराव नहीं हो पा रही है। यहाँ के स्थानीय प्रबंधन को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर हम लोग का जो डिमांड है वह रेलवे के उच्च अधिकारियों तक हम लोग का जो शक्तिपुंज का ठहराव जो पूर्व के भांति होता था उसे होना चाहिए, अन्यथा हम लोग धीरे धीरे, अभी हम लोग सांकेतिक तौर पर धरना दिए हुए हैं, अगर धरना के माध्यम से अगर यह प्रबंधन नहीं सुनती है तो हम लोग आगे भी इस कार्यक्रम जितना भी रेक है या रेक यहाँ नहीं लगने देंगे, नहीं हम लोग यहाँ बाधित भी काम करेंगे।